क्यों नहीं, ये लो मिठाई खाओ। माँ जी ये मिठाई किस बात के लिए? अरे हमारा बेटा कालू कौवा है ना, वो पुलिस में भर्ती हो गया है। क्या, कालू कौवा पुलिस में भर्ती हो गया? वो तो कितना नालायक था। अरे हमारे मौसा जी है ना, उनकी जान पहचान थी ना, इसीलिए उनने उसे पुलिस में भर्ती करा दिया है। ये तो अच्छी बात है। टूनी और कालू कौवे की माँ ऐसी बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद कालू कौवे की माँ घर पर आती है। वो अपने बेटे से कहती है, बेटा बहुत सिफारिश करके पूरे 2 लाख रुपए जमा कराए हैं, तब जाके कहीं तुम पुलिस में भर्ती हुई हो। अरे माँ आप क्यों चिंता करती हो, मेरी ड्यूटी इसी जंगल में लगी है। अब देखना मैं कैसे 8 ही दिन के अंदर अंदर पैसे पूरे निकाल लूंगा। बिल्कुल परेशान मत करना, और आपको एक बड़ा सा घर भी दूंगा। जब तक कालू कौवा अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, वीडियो को एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो प्लीज ना। उसके बाद अगले दिन से ही कालू कौवा अपने काम पर लग जाता है। वो अपनी वर्दी लगाकर जंगल में घूमने लगता है। अरे वह तोता आ रहा है, अच्छा इससे अभी पैसे ठगता हूँ। उसके बाद वो कहे, ए तोते रुक रुक, इधर आ इधर आ मेरे पास, मैं पुलिस हूँ, रुक यहाँ पे। क्या हुआ साहब, काहे के लिए हमको रोका है? तूने किसान के खेत से मिर्ची चुराई है ना? नहीं साहब मैंने नहीं चुराई है, किसान ने तेरी कंप्लेन करी है, चल तुझे जेल में डालता हूँ। अरे साहब छोड़ दो ना प्लीज। अच्छा तू छूटना चाहता है ना, चल ला पैसे दे। साहब अभी तो पैसे है नहीं, मेरी बीवी का हार है, मैं आपको अभी ला के दे देता हूँ तुरंत के तुरंत, नहीं तो चल मेरे साथ थाने चल। अरे साहब थाने नहीं जाना है, मैं ला के देता हूँ। इस प्रकार कालू कौवा मिट्टू से वो हार ठग लेता है। वो अपने घर पर आता है। माँ देखो ना ये हार, ये मेरे पहले दिन की कमाई है। अरे वाह ऐसे तो बेटा हम लोग बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा बुलबुला को रोकता है। ए बुलबुले तेरे खिलाफ शिकायत मिली है, चल तुझे जेल में बंद करता हूँ। अरे साहब क्या शिकायत मिली है, तू फूलों का रस पीता है ना, मधुमक्खियों ने और फूलों ने बहुत ज्यादा शिकायत करी है तेरे खिलाफ। अरे साहब फूलों का रस नहीं पीऊंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता, सरकार ने ये नियम बनाया, तू चल अभी थाने चल। अरे साहब छोड़ दो ना कुछ ले दे के। अच्छा ठीक है चल कुछ पैसे दे और निकल यहाँ से। साहब मेरे पास 1000 रुपये है, चल ठीक है 1000 ही दे। तो इस प्रकार कालू पुलिस मैन बुलबुला को भी ठग लेता है। दूसरी तरफ सरकार ने जंगल में एक पुलिस वाला लगाया है, ठीक है वो उसके बहुत सख्त नियम है भाई साहब, उससे बचकर रहना। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, मैं सब संभाल लूंगा ठीक है, जब मैं कोई गलत काम करता ही नहीं हूँ तो मुझे पुलिस क्यों पकड़ेगी। तो बंटी कबूतर ऐसा लूसी से कहता है। उसके बाद लूसी कहती है, जाओ मेरे लिए गर्म गर्म जलेबी ले आओ। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद बंटी लूसी के लिए जलेबी लेने के लिए घर से बाहर निकलता है। रास्ते में उसे कालू कौवा रोक दे, एक कबूतर के बच्चे मेरे पास आए इधर, कल तेरे खिलाफ कंप्लेन आई है, इतनी ओवर स्पीड से क्यों उड़ रहा था, चल 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 तुरंत ही चल मेरे साथ थाने चल। अरे साहब मैं आराम से ही उड़ रहा था, फालतू में मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। नहीं तू ओवर स्पीड से उड़ रहा था इसीलिए तू चल थाने चल मेरे साथ। अरे साहब कुछ ले दे के मामला रफा दफा करो ना। अच्छा कितने रुपए हैं तेरे पास? 50 रुपए है साहब, मैं घर से तेल लेके निकला। अच्छा ठीक है चल 50 ही दे। के बाद कालू कौवा उसे भी ठग लेता है। बंटी कबूतर बेचारा रुआसा सा रोता हुआ घर पर आ जाता है, अपनी बीवी को सारी बात बताता है। लूसी कहती है, अब तो इस रिश्वतखोर कौवे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चलो हम लोग टूनी के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता बताएगी। उसके बाद लूसी और बंटी टूनी के पास पहुंचते हैं और टूनी को सारी बात बताते हैं। टूनी कहती है, बिल्कुल परेशान मत हो, वो एक प्लान बताती है। अगले दिन पुलिसमैन के पास पहुंचती है और कहती है, सर ये रहे 1500 रुपए, मेरी तोते से लड़ाई हो गई है, आप उसको जेल में डाल दो। अच्छा इतनी सी बात है, बस काम हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन मत लो। टूनी पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी करतूत कैमरे में कैद कर लेती है और उसे सोशल मीडिया पे डाल देती है। जब कालू कौवा ये सारी चीजें टीवी पर देखता है तो वो कहता है, माँ मैं तो गया, मैं तो फंस गया, मैं तो रिश्वत के जुर्म में फंस गया माँ, अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ओ राम ऐसे करके कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान होता है। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा है, पुलिस के सीनियर अफसर उससे उसकी वर्दी छीन लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। कालू पुलिसमैन को उसके गलत काम की सजा उसको मिली। दोस्तों हमें कभी भी ना तो रिश्वत लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। ये देख कुकू मेरी उड़ी बाबा, ये तो उड़ी बनबील चला रहा हूँ मैं तो, ये देख मम्मा मुझे भी बाइक चलानी है, मेरे सारे दोस्त बाइक चलाते हैं और बाइक रेस करते हैं। अभी नहीं बेटा, आप जब तक 18 महीने के नहीं हो जाओगे तब तक आपको बाइक नहीं मिलेगी। अरे मम्मा मेरे सारे दोस्त चलाते नहीं ना, तभी कुकू के पापा की बाइक का हॉर्न बजता है। ये मेरे पापा आ गए, मेरे पापा बाइक लेके आ गए, पापा मुझे भी बाइक सिखाओ ना, मेरे सारे दोस्त बाइक चलाते हैं और बाइक रेस करते हैं, सिर्फ एक मैं ही अकेला हूँ जो बाइक रेस नहीं करता हूँ। कुकू बेटा कल मैं आपको बाइक चलाना सिखाऊंगा, कल मेरी छुट्टी है ना, मैं आपको बाहर लेकर चलूंगा, आपको बाइक चलाना सिखाऊंगा, बाइक कैसे चलाते हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। उसके बाद आप अपने सारे दोस्तों को भी दिखाना कि आप कैसे बाइक चलाते हो। ये कुकू बाइक चलाने की जिद कर रहा था ना, आपसे भी यही बोला होगा ना, कहीं कोई नहीं जाएगा ठीक है, आप इसे बाइक चलाना नहीं सिखाएंगे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया बाइक से तो फिर क्या करोगे, ये बिल्कुल भी बाइक नहीं चलाएगा, सुन लिया ना आपने। उसके बाद अगले दिन कुकू के पापा उसे
एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, वहाँ वो उसे बाइक चलाना सिखाते हैं। बेटा ध्यान से हैंडल पकड़ो। कुकू बाइक चलाना सीख रहा है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, और वीडियो को लाइक भी कर दो, प्लीज प्लीज कर दो ना। ये रही क्लिच, ये रहे ग्यार, अब धीरे धीरे चलाओ। कुकू उसे चलाना सीख जाता है और बहुत खुश होता है। पापा मैं भी बाइक चलाना सीख गया, अब तो मजे आएंगे, मैं भी दोस्तों को दिखाऊंगा मैं भी बाइक चला लेता हूँ। पापा आपने तो मुझे बाइक सिखा दी, थैंक यू पापा आपने मुझे बाइक सिखा दी, मजा आ गया मैं तो बाइक चलाने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन कुकू नदी के किनारे घूम रहा था। जग्गू बहुत तेज बाइक चलाता हुआ वहां पर आता है, उसके साथ मिट्टू भी होता है। ये देखो इसे तो बाइक चलाना नहीं आता, देखो हम कितनी शानदार बाइक चलाते हैं, हमसे अच्छी कोई बाइक चला ही नहीं सकता, मैं तो वन व्हील बाइक चलाता हूँ, तेरी हिम्मत है चलाने की? मेरे पापा ने मुझे बाइक चलाना सिखाई है, ठीक है जग्गू? कुकू ऐसा जग्गू से कहता है और कहता है मेरी माँ ने मुझे बाइक चलाने से मना किया है, वरना मैं भी तुम्हें बाइक चला के दिखाता है। तुझे कुछ नहीं आता बाइक वाइक चलाना, ठीक है? ये देख कुकू मेरी उड़ी, बाबा ये तो उड़ी, वन व्हील चला रहा हूँ मैं तो, ये देख। जग्गू और मिट्टू वन व्हील पर बाइक चलाने लगते हैं। जैसे ही वो वन व्हील पर चलाते हैं, उन दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है, वो धड़ाम से गिरते हैं और उनके शरीर से खून निकलने लगता है। कुकू ये सब देखता है तो वो उन्हें उठाता है और धीरे धीरे बाइक चलाता हुआ उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। डॉक्टर कुकू से कहती है बेटा अगर आपने एक मिनट भी लेट किया होता ना तो इनका बहुत ज्यादा खून बह गया था, ये लोग मर भी सकते थे। गौरी वहाँ पे आती है। कुकू बेटा आप तो बहुत जी आज ज्यादा अच्छे हो, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, लेकिन आपको तो बाइक चलाना नहीं आता था, आपने कैसे बाइक चलाई? अरे मेरे पापा ने मुझे बाइक चलाना सिखा दी थी, इसलिए मैं उन्हें जल्दी से बाइक पे बिठा कर यहाँ पर ले आया। तभी वहाँ पर टूनी आती है और गौरी उससे कहती है बहन अगर आज आपका बेटा नहीं होता ना, बाइक एक्सीडेंट में मर ही गया था, आपकी बेटे की बाइक चलाने की वजह से ही मेरा बेटा बच गया था। तो टूनी चौंक जाती है, लेकिन उसका पति उसे सब समझा देता है कि मैंने कुकू को बाइक चलाना सिखा दिया था, इस वजह से जान बच गई। टूनी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो अपने बेटे से कहती है बेटा जब तक आप 18 महीनों के नहीं हो जाओगे तब तक आप बाइक नहीं चलाओगे और बाइक को हाथ भी नहीं लगाओगे, ठीक है मम्मा? मैं 18 महीने के होने के बाद ही बाइक को चलाऊंगा। दोस्तों हमें कभी भी तेज रफ्तार से बाइक नहीं चलाना।